बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ रहती है कि आप जहाँ कहीं भी हों खुश रहें, आबाद रहें। तो व्यूअर, आज मैं कीमा और आलू बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जिसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने 1.5 किलो तकरीबन कीमा है और इसमें 1 किलो जो है वो आलू है, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले ली हैं और 3 मैंने गाजरें ले ली हैं और 5 मैंने मिर्चें ले ली हैं और 2 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज के वो काट ली हैं। तो आए व्यूअर, स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर, माशाल्लाह हमने देश का जो है वो ऊपर चढ़ा दिया है, इसमें हम ऑयल शामिल करते हैं। इसे प्याज शामिल करते हैं, ये लकड़ी हमने काट ली है क्योंकि हमने कीमा डाल के इसकी बुनाई करते, तो हमने इसको इसमें पानी लगा देना ताकि कीमा हमारे अच्छे से जो है वो गल जाए। तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें जो है वो शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। वन टी स्पून हम डालेंगे, 1.5 टी स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1.5 टी स्पून, मसाला पाउडर डालेंगे तकरीबन 1.5 टी स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 2 टी स्पून, नमक शामिल करेंगे तकरीबन 1 टी स्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले ना हमारा। फिर इसमें कीमा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने शामिल कर दिया है, इसमें हम जो है वो आलू भी शामिल कर देते हैं। इसमें हम पानी शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए। तकरीबन पानी जो है वो थोड़ा ही रह गए, ड्राई होने वाला है। अब इसमें हम जो है कैरेट डाल देंगे, माशाल्लाह पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 टी स्पून और साथ ही इसमें हम गर्म मसाला शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 टी स्पून। फिर तो हम मिक्स कर लेंगे। इसमें आप शामिल कर देते हैं गार्लिक और हरी मिर्च। इसको भी चौक कर देते हैं। माशाल्लाह पानी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। आप करते हैं ये माफ कर देते हैं, माशाल्लाह थोड़ी चौक करते हैं। तो माशाल्लाह व्यूअर, हमारा जो है वेजिटेबल के साथ कीमा तैयार हो गया है। आप बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपी पसंद आई है।
तो व्यूवर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।